कोड रेड में मिला नायरा बैनर्जी और अंजुम फकीर को मौका। टारगेटेड कंटेस्टेंट के सामने मिला दो ऑप्शन। किस तरह से ये दो हसीना खिलाड़ियों को देंगी मुंहतोड़ जवाब? खतरों के खिलाड़ी के 13 सीजन में इस हफ्ते टारगेट थीम में नायरा बैनर्जी और अंजुम फकीर को टारगेट किया गया है। दोनों सीधे एलिमिनेशन में चली गई हैं, लेकिन जैसा कि हर संडे कोड रेड का यहां पर सेशन होता है, इस हफ्ते नायरा और अंजुम को कोड रेड में जाने का मौका मिला है। इनके सामने दो ऑप्शन रखे गए हैं। पहला ऑप्शन ये कि इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ना होगा और इसमें जो जीत जाएगा वो सेफ हो जाएगा और हारने वाला सीधे एलिमिनेशन में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन इनके सामने ये है कि ये एक टीम बना ले, एक जोड़ीदार के रूप में शिजान खान और रश्मि कौर के अगेंस्ट स्टंट को परफॉर्म करें। अगर नायरा और अंजुम जीत जाते हैं तो दोनों ही सेफ हो जाएंगी इस हफ्ते के एलिमिनेशन से और शिजान खान और रश्मि कौर दोनों एलिमिनेशन में चले जाएंगे। और अगर वो हार जाती हैं तो ये बैक टू स्क्वायर हो जाएंगी जिस तरह से पहले से ही एलिमिनेशन राउंड में है। अब यहाँ पर नायरा बैनर्जी और अंजुम फकीर ने काफ़ी सलाह मशवरा किया है। पहले नायरा बैनर्जी वन ऑन वन करना चाहती थी, लेकिन अंजुम के समझाने के बाद अंजुम ने कहा कि हमें आज तक कभी मौका नहीं मिला है जोड़ीदार के रूप में लड़ने का। नायरा का मानना है कि जोड़ीदार के रूप में उनकी ट्यूनिंग कैसी होगी इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है। अंजुम ने कहा कि हमें पहली बार मौका मिला है अपना जोड़ीदार चुनने का, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम टीम की तरह काम करेंगे। तो हसीनाओं ने फैसला लिया है कि ये एक साथ टीम बनाकर शिजान और रश्मित कौर के अगेंस्ट स्टंट में परफॉर्म करेंगी और अपने लक को आजमाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पार्टनरशिप वाले स्टंट में किसकी जीत होती है। आप शिजान रश्मित या फिर नायरा अंजुम दोनों में से कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।